मंद्रुप येथील जिल्हा परिषद उर्फ प्राथमिक शाळेत शौचालय दुरुस्तीचे व 2 नवीन खोल्याचे भूमिपूजनाचे कार्यक्रम संपन्न झाले. या कार्यक्रमास जिल्हा परिषद सदस्य विद्युलता कोरे, ग्रामसेवक नागेश जोडमोटे, माजी सरपंच अनिता कोरे, उपसरपंच अल्लाउद्दीन शेख व आर के कन्स्ट्रक्शनचे संस्थापक अध्यक्ष मोतीलाल राठोड उपस्थित होते. नवीन शौचालयाचे उद्घाटन संपन्न झाल्यानंतर आरके कन्स्ट्रक्शनचे संस्थापक अध्यक्ष मोतीलाल राठोड यांनी मुख्याध्यापक जहारा तांबोळी यांनी पाण्याची चौकशी केली असता मुख्याध्यापक तांबोळी यांनी सर्व शिक्षक पैसे देऊन पाणी बाहेरून मागवून घेत असल्याचे सांगितले. नवीन शौचालयाचे काम झाले पण पाणी नसल्याचे समजताच आरके कन्स्ट्रक्शनचे संस्थापक अध्यक्ष यांनी ताबडतोब स्वखर्चाने बोरवेलची गाडी बोलावून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या परिसरात बोर मारण्यास सांगितले. सुदैवाने त्या ठिकाणी 2 इंच पाणीही लागले. शाळेत पाण्याची सुविधा झाल्याबद्दल सर्व शिक्षक व मुख्याध्यापक तांबोळी यांनी आरके कन्स्ट्रक्शनचे मोतीलाल राठोड यांचे आभार मानले. लडकियों के लिए टॉयलेट जो बहुत टूटी फूटी हालत में था उसको आज रिपेयर करके उसका आज उद्घाटन हुआ है. ग्राम पंचायत के तवज्जो से उसका काम हुआ है. उसके बाद यहाँ पर नए 2 वर्ग खुलियाँ DCPC में मंजूर हुए हैं. उसका उद्घाटन भी यहाँ पर जिला परिषद के मेंबर और ग्राम पंचायत के सदस्य मोतीलाल राठौड़ साहब के हाथों यहाँ पर हुआ है. उसके बाद जब उन्होंने देखा कि स्कूल में 600 बच्चे हैं, उर्दू मराठी और लड़कियों को स्कूल मिलाकर 600 बच्चों के लिए सिर्फ 1 नल का कनेक्शन है. जब हमने उनसे बात की कि 4 लोगों के कुटुंब के लिए जब 1 नल का कनेक्शन होता है तो 600 बच्चों के लिए 1 नल के कनेक्शन से कैसे काम चलेगा, ये बात को इस ज़रूरत को उन्होंने समझा और फौरन उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से यहाँ पर स्कूल में एक बोर लगाने के लिए तैयार हूँ. और फौरन उन्होंने फ़ोन करके गाड़ी बुलाकर यहाँ पर काम शुरू है. तो हम तीनों स्कूलों की तरफ से मोतीलाल राठौड़ साहब जो बड़े फिराक दिल हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. राठोड यांनी शाळेत पाण्याची व्यवस्था केल्याचे समजताच सर्व स्तरावरून त्यांचे कौतुक होत आहे. आरके कन्स्ट्रक्शनचे मोतीलाल राठोड हे नेहमी मंद्रुप परिसरात अनेक सामाजिक उपक्रम राबवित असतात पण आज केलेले कार्य हे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील सर्व विद्यार्थी व शिक्षकांच्या पाण्याची व्यवस्था कायमस्वरूपी केल्याने अविस्मरणीय असल्याचे दिसत आहे.